कुल क्षेत्र ऐसा रहा है अब तक, वह मित्रसेन यादव का गढ़ रहा है। और मित्रसेन यादव जिनके दूते राजनीति करते थे या जिनके लिए राजनीति करते थे, उनको आप आज का पीडीए कह सकते हैं जी, ठीक। उसी की बदौलत यह वह मित्रसेन यादव का घर था जी, या यूं कहिए कि सेन परिवार का घर था। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मिल्कीपुर की चुनावी कवरेज जारी है। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी जब से अयोध्या हारी है, मिल्कीपुर का चुनाव उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और दूसरी तरफ सपा अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, चूंकि वहां का विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद जी, वर्तमान में सांसद हो चुके हैं, उसके लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। क्या उनका पीडीए चलेगा, क्या बीजेपी अपने यहाँ पर प्रतिष्ठा बचा पाएगी, ये सब चीज़ों की जानने के लिए हम इस समय हैं अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता जगत के वीर पितामह कह सकते हैं, बड़े भैया इंद्रभूषण पांडे के पास। आप इनके स्वास्थ्य से लग रहा होगा कि आपकी उम्र 30-35 है, लेकिन आपका 40 वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता। लेकिन जब पत्रकार, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा अवश्य होती है, लेकिन जब पत्रकार अपने सीट पर होता है तब वो निष्पक्ष जो है विश्लेषण करता है, उसके अंदर एक अदर शक्ति हो जाती है। प्रोफेशनल जो आदमी होगा वो तो प्रोफेशनल ही होगा। भैया अयोध्या दर्पण में स्वागत है, धन्यवाद। मिल्कीपुर का चुनाव सभी पार्टियों ने लगभग फील्डिंग सजा, एक केवल बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हैं। सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, बसपा ने घोषित कर दिया, बाकी भीम आर्मी भी शायद मैदान में है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया। चुनाव करो, आखिर दिशा क्या होने जा रही है? देखिए, अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला अब दिया जी। मिल्कीपुर क्षेत्र ऐसा रहा है जी। अब तक वह मित्रसेन यादव का गढ़ रहा जी। और मित्रसेन यादव जिनके दूते राजनीति करते थे या जिनके लिए राजनीति करते थे, उनको आप आज का पीडीए कह सकते हैं जी, ठीक। उसी की बदौलत यह वह मित्रसेन यादव का घर था जी, या यूं कहिए कि सेन परिवार का घर रहा। अब तक वहाँ 2 बार बीजेपी जीती है, मिल्कीपुर सीट से बीजेपी 2 बार सीटी जीती है, एक बार जब सामान्य सीट जीती और एक बार जब वो आरक्षित सीट हो गई बाबा द्वारा। पिछला विधानसभा का आम चुनाव वहाँ बीजेपी हारी, हालिया लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ बीजेपी उस विधानसभा में हारी। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भी बीजेपी वहां हारी थी उस विधानसभा। अच्छा, तो एक तरह से अगर हम कहें कि वह बीजेपी का गढ़ कभी नहीं रही, अब वह सुरक्षित सीट है। लोकसभा के चुनाव में सेन परिवार से मित्रसेन यादव के एक लड़के अरविंद सेन कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो मित्रसेन यादव की विरासत लेके राजनीति कर रहे हैं वो आनंद सेन यादव, वह उनके साथ नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि मामूली वोट में वो सिमट करके उस विधानसभा में रह गए। ठीक, सारे पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं भाजपा को छोड़कर। भाजपा के लिए वहाँ टिकट
बंटवारा और टिकट तय करना ही एक उसके लिए निगेटिव फैक्टर है जी। उससे जो निकलेगा वह निगेटिव जाएगा। भाजपा लोकसभा का जो चुनाव हारी है वह अब सबको पता है कि क्यों हारी जी। है उन हालात से उबरने के लिए भाजपा ने क्या कुछ किया या उस हालात से उबर गए हैं, अब भाजपा के पक्ष में माहौल बन गया है, ऐसा हमको कहीं कुछ दिखता नहीं। मिल्कीपुर में दो जातियां हैं, ब्राह्मण और यादव। यह निर्णायक भूमिका वहां ब्राह्मण और यादव यह निर्णायक भूमिका निभा। हम कटहरी भी गए और मिल्कीपुर में भी बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया और इन्हीं दोनों जातियों पर किया, खास करके मिल्कीपुर में इन्हीं दोनों जातियों पर। अभी हाल ही में पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापित होनी थी, उसका चबूतरा दूतरा बन गया था, उसको शासन प्रशासन ने उलाट दिया, बुलडोजर चला वह पूरे प्रदेश का इशू बना, खास करके ब्राह्मणों को। हम मिल्कीपुर में देखते हैं तो वहाँ भी यह फैक्टर है, एक भदरसा फैक्टर एक ज्वलन इस समय अभी आपको। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने नफा नुकसान के हिसाब से काम करती है, क्या आपको मिलता है, क्या लगता है कि भदरसा कारण से सपा को या भाजपा को इसको नफा इसको नुकसान होता है? भदरसा फैक्टर से भाजपा को नुकसान होता कैसे? उसी तरीके से जैसे लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ बुलडोजर से, बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हुआ है, उसी तरीके से भदरसा में नुकसान हो जाए। सही चीज सुनिए जी, अभी वो एक सपा नेता का डीएनए रिपोर्ट आई है सप्ताह भर पहले की घटना की, नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है। भदरसा की रिपोर्ट डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? हमको विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि भदरसा के दोनों आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली, निगेटिव आई। ये क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती? ये क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती? वो हिंदू मुस्लिम चाहे जितना कर लिया जाए, न तो अब हिंदू मुस्लिम चलने वाला है उत्तर प्रदेश में और देश में, और न तो राम मंदिर चल रहा है, राम मंदिर कभी नहीं चला और फिर नहीं चलने वाला, ठीक है एक चीज। लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर की कमान स्वयं संभाल ली जी, वही प्रभारी ठीक, तो पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी जी मिल्कीपुर जीतने के लिए। यह एक प्लस फैक्टर, इसको प्लस आप मानते, इसको भाजपा प्लस मानती है जी, हम इसको भी निगेटिव मानते हैं। दूसरी चीज ये बताइए, हम इसको भी निगेटिव मानते हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का अयोध्या जितना दौरा हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी दुर्गति अयोध्या में भाजपा की हुई। एक चीज अगर आप देखिए, इसी तरह से योगी जी का मिल्कीपुर में जितना दौरा होगा ठीक है, हमको नहीं लगता कि उससे बहुत फायदा होने वाला। उससे एक वर्ग जो योगी जी को नहीं पसंद करता है, भाजपा को नहीं पसंद करता है, वह और तेज होगा है? और भाजपा जो है, भाजपा जितने में है उतने भी तेज होगी।
तो भाजपा कितने में है, भाजपा इतने में है कि वह उसका गढ़ नहीं। एक चीज बताइए, आप पीडीए का गढ़ हुआ नहीं अभी कुछ देर पहले आपको कहा? हाँ बिल्कुल, पहले का मित्रसेन यादव आज का पीडीए, आप यही कहना चाह रहे हैं? तब ये 7700 वोटों की लीडिंग आखिरी लोकसभा चुनाव में क्यों रही है? 7700 कम है, कम है 7700 कम है सत्ता से लड़ना, सत्ता से लड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड 4.5 लाख की थी, 1.5 लाख रह गई, 4.5 लाख की थी, 1.5 लाख की रह गई राजनाथ की लीड लखनऊ में, पता करिए कितनी कम हो गई। अयोध्या ये हारी गए और उसमें 7700 की लीड आप कम मान रहे हैं, इसलिए 7700 से भाजपा को हरा देना कम मान रहे हैं, बताइए। मोदी जी से पूछिए उनकी लीडिया कहाँ गई, राजनाथ सिंह से पूछिए उनकी लीड कहाँ गई। बीएसपी लोकसभा चुनाव में लड़ी जैसा कि मैंने मिल्कीपुर को देखा, मिल्कीपुर की जनता ये कहती है कि चूंकि बीएसपी कैंडिडेट नहीं था इसलिए जो बीएसपी का वोट था वो सपा में चला गया, और की बार राम गोपाल कोड़ी एक सशक्त कैंडिडेट मिल्कीपुर से लड़ रहे हैं। दूसरी चीज भीम आर्मी ने भी दस्तक दे दिया, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि सपा के कुछ असंतुष्ट नेता जो हैं भीम आर्मी से भी संपर्क कर रहे हैं। क्या बीएसपी और भीम आर्मी अगर मजबूती से लड़ती है तो उसका लाभ किसको होगा? अगर मगर नहीं, बीएसपी पूरे प्रदेश में नहीं लड़ी थी, लोकसभा चुनाव में बीएसपी पूरे प्रदेश पूरे देश में नहीं लड़ पाई थी। जी जी, बीएसपी को तो मान लिया गया कि यह बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए सारा उपक्रम करती है, तो नतीजा आज है कि लोकसभा में बीएसपी की एको कैंडिडेट नहीं है। और बीएसपी क्यों नहीं लड़ी थी? बीएसपी कैंडिडेट नहीं था यहाँ लोकसभा में, बीएसपी कैंडिडेट था लड़ा वहां पर, अरे लड़ा क्यों नहीं यार? तो यहाँ से अच्छा अम्बेडकर नगर में कहाँ लड़ गई, बस्ती में कहाँ लड़ गई, कहाँ लड़ गई बीएसपी है यहाँ से अच्छा? यहाँ बता रहे हैं कि नहीं लड़ पाई बीएसपी, कहीं नहीं लड़ पाई, और बीएसपी फिर नहीं लड़ पाएगी। भीम आर्मी का कैंडिडेट जिस जमीन पर राजनीति कर रहा है वो बीएसपी की जमीन है, और भीम आर्मी जितने मजबूत होगी उतने बीएसपी खत्म होगी। तो भाजपा को थोड़ी काटेगी भीम आर्मी, और कांग्रेस का और थोड़ी काटेगी, उन्हें सपा काट पाएगी। भीम आर्मी की जमीन ही वही बसपा की है, बहुजन समाज की, और जहां भीम आर्मी बढ़िया लड़ी है वहां पता लगा लीजिए बसपा कहां गई जी, बसपा की जमानत जब, तो यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, यहां बसपा का खेला भीम आर्मी खराब कर दी, और भीम आर्मी जीतने नहीं जा रही। इज्जत जाहिर, कोई नहीं कहेगा आपसे कि भीम आर्मी का वहां से विधायक होने जा रहा है या बसपा विधायक होने, जनता बहुत होशियार है, जनता अपना वोट कतई नहीं बर्बाद करेगी, लड़ाई दुई के बीच में होगी भाजपा और सपा की, ठीक है, और बाकी तमाशा कोई नहीं करेगा। नेताओं से ज्यादा होशियार अब अंतर कितने का होगा, कहाँ जीत हार का अंतर कम से कम 25,000 का, अच्छे मिल्कीपुर में जीत हार का अंतर 25,000 का होने जा रहा है। सेम परिवार तो पिछली बार बहुत इस समय तो मुख्य धारा में नहीं, न उनका कोई विधायक, न एमपी, एक ब्लॉक प्रमुख है, तो सुनने में आ रहा है कि जैसा कि अवधेश प्रसाद का जो अपनी अच्छी सहमति नहीं दिया था। हाँ काम लोकसभा विधानसभा के चुनाव में सबसे मजबूती से काम आनंद सेन यादव करेंगे, विधानसभा के चुनाव में सबसे मजबूती से काम आनंद सेन यादव करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि सेम परिवार डिसाइडिंग फैक्टर है, हमेशा रहा है। अच्छा, और सेन परिवार अगर खुल करके आ गया, सेन परिवार का मतलब आज की तारीख में आनंद सेन यादव अगर खुल करके आ गए तो नाको चने चबवा देंगे। आपको भी संदेह है? राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब खुल कर आगे का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं, मैंने ये भी कहा कि सबसे मजबूती से आनंद सेन अब की लड़ेंगे,
लड़ाएंगे चुनाव मिल्कीपुर में, ठीक है। अच्छा ये तो रियल सीट, यहाँ पर पीडीए कौन सा बहुत ज़्यादा, पीडीए कौन रियल सीट पे कौन, यहाँ पर बहुत जब जातीय आधार पर जब चुनाव यहाँ पर हो रहा है, जातीयता सारे विकास के लोगों पर हारी पड़ी है, तो पीडीए का रोल कितना होता है? अरे भाई पीडीए, पीडीए उनका फार्मूला है जी, उनका पीडीए फार्मूला है। पीडीए में जो तीन जातियाँ वो जोड़ते हैं तो वो तो हर सीट पर, और किसी को मौके नहीं दिया, कहीं बाप बेटी को टिकट, कहीं बाप बेटे को टिकट, कैसा क्यों दिए? नहीं ये तो भाजपा में है जहाँ परिवारवाद में है, भाजपा में है और अबोधी मीडिया में है जहाँ परिवारवाद में है। इन इन अंधों को, गोदी मीडिया के अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। लास्ट में आपको निष्कर्ष क्या लगता है, किस दिशा में चुनाव है? कहाँ आपका भाजपा के लिए टेढ़ी खीर होगी। आप हैं बड़े भैया कुलभूषण पांडे जी, बहुत बड़ा अनुभव रहा है आपका पत्रकारिता का, स्पेशली मिल्कीपुर विधानसभा के संदर्भ में आपकी एक अलग से पीएचडी। लेकिन अब देखिए भविष्य क्या होता है, लेकिन एक चीज ये भी मांग रहे हैं कि योगी ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जैसा कि माना जाता है कि उपचुनाव हमेशा से सत्ता का चुनाव रहा है, इसलिए आप बात से भी पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप मान रहे हैं कि योगी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और उपचुनाव सत्ता को चुनाव रहा है, इसलिए उप किसी भी करवट बदल बैठ सकता है। वक्त का इंतजार कीजिए, यहाँ पर 24 घंटे पहले भी माहौल बदल जाता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, धन्यवाद।